देन लिटमस टेस्ट, फैट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, नो कलर चेंज ऑब्जर्व विथ अ ब्लू और रेड लिटमस। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर लेस देन वन, हेंस दे फ्लोट ऑन वाटर। सॉलिड फैट इज इक्वल टू 0.86 स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लिक्विड फैट हैव 0.95 स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल फैट्स, वाइल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल ऑयल्स। मेल्टिंग पॉइंट, फैट्स हैव अ डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट्स, फैट्स एंड वैक्सेस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वेयर एज ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देन केमिकल टेस्ट और इट्स प्रॉपर्टी, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन, ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट्स गेट डिहाइड्रेटेड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम्स बाइसल्फेट टू प्रोड्यूस एक्रेलिक अल्डिहाइड और एक्रोलिन, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल एंड एक्रेलिन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड एक्रेलिन, फर्स्ट ऑयल्स और फैट विच गेट रिएक्टेड एंड देन फॉर्म ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल फैट्स विद द हेल्प ऑफ हीटिंग विद अ स्टीम और बॉइलिंग विथ एसिड्स और अल्कलीज विल प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड्स गेट कन्वर्टेड इंटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देन सैपोनिफिकेशन, लैटिन वर्ड मीन्स सैपोन, मीन्स सोप। सैपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड देयर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। दिस सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स पजेस इमल्सिफाइंग डिटर्जेंट फ्रॉथिंग प्रॉपर्टी एंड सो कॉल्ड एज अ सोप्स। फैटी एसिड्स कैन फॉर्म सोप डायरेक्टली विद अल्कली। ग्लिसरॉल इज एन इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, इट इज रिकवर्ड बाय इवेपोरेटिंग द वॉटर लेयर। द क्रूड सोप इज देन प्यूरिफाइड एंड कलरिंग एंड परफ्यूम आर एडेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। ट्राइग्लिसराइड गेट कन्वर्टेड विथ द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल एंड सोडियम पालमिटेट। सोडियम पालमिटेट इज अ सोप। देन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, इन हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम कैटलिस्ट। इट एड्स हाइड्रोजन टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एंड कन्वर्ट्स डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, दस इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। देन फॉलोइंग आर द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, ट्रिपल मिलेटेट कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल ट्राइपालमिटेट। देन रैंसिडिटी, ट्राइग्लिसराइड सून बिकम रैंसिड डेवलपिंग एन अनप्लेजेंट ऑडर एंड फ्लेवर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर एट रूम टेम्परेचर। रैंसिडिटी इज कॉज बाई आइदर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड और ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स बॉन्ड बाय एंजाइम लाइपेज प्रेजेंट इन एयर बॉन्ड बैक्टीरिया। इट कैन बी कन्वर्टेड सॉरी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी इज कॉज बाय द रैप्चर ऑफ डबल बॉन्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू वार्म्थ एयर। एज अ रिजल्ट अल्डिहाइड विद अ लो मॉलिक्यूलर वेट आर फॉर्म्ड, रिलीज ऑफ फ्लेवर, एग्जाम्पल ऑफ फ्लेवर इन कुकिंग। एंटी ऑक्सीडेंट, द सब्सटेंसेस विच कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी आर नोन एज एंटी ऑक्सीडेंट। ट्रेस अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट सच एज टोकोफेरॉल मीन्स विटामिन ई, हाइड्रोकिनोन, गैलिक एसिड्स एंड अल्फा नेफ्थॉल आर एडेड टू कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। देन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैटी मटेरियल मीन्स डिस्पर्स फेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट एंड देयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन वाटर मीन्स डिस्पर्स मीडियम टू फॉर्म अ होमोजीनियस इमल्शन। इमल्शन बिकम रिलेटिवली स्टेबल ऑन एडिशन ऑफ सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट। देन लिपिड परऑक्सीडेशन, इन द लिविंग सेल्स लिपिड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस परऑक्साइड्स एंड फ्री रेडिकल्स विच कैन डैमेज द टिश्यू। द फ्री रेडिकल्स आर बिलीव्ड टू कॉज इन्फ्लेमेटरी डिसीज, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस,
It is fortunate that the cells process antioxidants such as vitamin E, urate, and superoxide dismutase to prevent in vivo lipid peroxidase. Now we discuss about complex or compound lipids. They are esters of fatty acids containing group in addition to an alcohol and a fatty acids. Phospholipid, lipid containing in addition to fatty acids and alcohol, a phosphoric acid residue. They frequently have nitrogen containing bases and other substituents. Example, glycerophospholipids, the alcohol is a glycerol, and in sphingophospholipid, the alcohol is a sphingosine. Then glycolipids, glycosphingolipids, lipids containing a fatty acid, sphingosine, and carbohydrates are cerebrosides and gangliosides. Then lipoprotein, macromolecular complex of lipids with a protein. Then other complex lipids like lipids such as sulfolipid and aminolipids. Lipopolysaccharides may also be placed in this category. Then phospholipids, these are compounds lipids containing phosphoric acids, lipids containing in addition to fatty acids and alcohol, a phosphoric acid residue. They frequently have nitrogen containing bases and other substituents. Phospholipids may be regarded as a derivatives of phosphatidic acids, in which the phosphate is esterified with the OH of a suitable alcohol. They are amphiphatic molecules, that is, each molecule has a hydrophilic, means polar, head, formed of the phosphate group and the alcohol group, and a hydrophobic, means non-polar, tail, formed of glycerol or sphingosine and the hydrocarbon chain of the fatty acids. Note, details will be discussed. The structure of phospholipids, it further classified into glycerophospholipids and sphingophospholipids. Glycerophospholipids consist of glycerol backbone and linked to alcohol like serine, ethanol, amine, choline, inositol. Then phosphate to fatty acids. Further, sphingophospholipids, that is sphingomyelins, consist of sphingosines backbone and linked to alcohol like choline, phosphate, and one fatty acids. Glycerophospholipids, that is fatty acids plus glycerol plus phosphoric acid residue plus nitrogen containing bases or other substituents. Glycerol are fatty acids. Then phosphate group like amino alcohol. Then phosphatidic acids. Example of glycerophospholipids are phosphatidic acid, lecithin, cephaline, phosphatidyl serine, plasmalogen, cardiolipin, phosphatidyl inositol, platelets, activating factor, phosphatidyl glycerol, phosphatidic acids. This is the simplest phospholipids. Phosphatidic acid is the intermediate in synthesis of triglycerol and phospholipids. Then lecithin, phosphatidyl choline. It contains alcohol, fatty acids, phosphoric acid, and choline, present in brain, nerve tissue, sperm, and egg yolk, are surface active agent and help in emulsification of fat. Dipalmitol, lecithin, is a lung surfactant, that is, lower surface tension. It prevents the collapse of lung alveoli. Absence of dipalmitol, lecithin is a premature infant may produce respiratory distress syndrome or hyaline membrane. Then cephaline, it contains alcohol, fatty acid, phosphoric acid, ethanolamine or serine. As a nitrogenous base instead of choline present is lecithin, present in brain, erythrocytes and many other tissue. Phosphatidyl serine, the amino acid serine, is present in this group. Glycerophospholipids, present in brain, nervous tissue, and small amount in other tissue. Then plasmalogen, they differ from lecithin or cephaline in an alpha 1 position of glycerol, where the fatty acid is replaced by the long chain unsaturated aliphatic aldehyde, such as palmitic or stearic aldehyde.
Plasmodogens are present in large quantities in the skeletal muscle, cardiac muscles, and in semen. Cardiopolin. It is a diphosphatidyl glycerol, contains two molecules of phosphatidyl acid held by glycerol. Present in inner mitochondrial membrane and has antigenic properties. Then, lipocetol. It contains phosphatidic acid, inositol like alcohol instead of nitrogenous base. They are important component of cell membrane. The action of certain hormones is mediated through phosphatidyl inositol. In response to hormone action, PI is cleaved to diacetylglycerol DAG and inositol triphosphate. Both these compounds act as a second trans messenger for hormonal action. Platelet activating factor PAF. It contains ether glycerophospholipids, contains an unsaturated alkyl group in an ether linked to carbon 1 position, an acetyl residue of a carbon 2 of the glycerol backbone, synthesized and released by various cells types. PAF activates inflammatory cells and mediate hypersensitivity, acute inflammatory and anaphylactic reaction, causes platelets to aggregate and degranulate the neutrophils and alveoli macrophages to generate superoxide radical. Phosphatidyl glycerol, formed by esterification of phosphatidyl acid with glycerol. Diphosphatidyl glycerol, cardiopin, is found in the mitochondrial membrane. Then there are number of name of the glycerophospholipids, name of in X, then formula, then phosphatidic acids contain hydrogen, then phosphatidyl ethanolamine contain ethanolamine, phosphatidyl choline contain choline, phosphatidyl serine contain serine, phosphatidyl glycerol contain glycerol, phosphatidyl inositol 4,5-biphosphate contain myo-inositol 4,5-biphosphate, cardiolipin, phosphatidyl glycerol. Then sphingophospholipids or sphingolipids means ceramides, formed by the esterification of sphingosine with a fatty acid of high molecular weight, found in white matter of brain and nerves. Ceramide is common for all glycolipids and sphingomyelins. Sphingomyelins does not contain glycerol, but unsaturated amino acids, that is sphingosine, contain molecules of choline, phosphoric acid and FA. Sphingomyelins make up large part of myelin sheath. These are also present in brain, lungs, nerve and other tissue. Deposition of sphingomyelin in liver, lymph nodes, bone marrow and central nervous system results in Niemann's Pick disease due to deficiency of sphingomyelin enzyme in this tissue. The ceramides and their structure of sphingomyelins. It contains choline, fatty acid and phosphoric acid. Function of phospholipids. First, components of cell membrane, mitochondrial membrane and lipoprotein. Participate in lipid absorption and transportation from intestine, then play important role in blood coagulation, then required for enzyme action, especially in mitochondrial electron transport chain. Then choline act as a lipoteric acid. Membrane phospholipids act as a source of arachidonic acid, act as a reservoir of second messenger phosphatidyl inositol, act as a cofactor for the activity of lipoprotein lipase. Lipoprotein myelin sheath provides insulation around the nerve fibers, and also dipalmitoyl lecithin act as a surfactant.